हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं अरवी की फूल की चटनी की रेसिपी लाई हूँ और मेरे एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैंने अरवी का फूल लिया है, देख सकते हैं अरवी का फूल पीला वाला होता है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के लिया है और इसके अंदर जो छोटा छोटा फूल रहता है इसको मैंने पहले से ही निकाल के और इसको धो के लिया है। देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके अंदर कैसा फूल रहता है। ये देखिए, इस तरह का फूल रहता है इस अरवी का फूल के अंदर और इसको फेंक देना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके बाद आइए, अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और इसको थोड़ा सा कट करना है, कट करके फेंक दूँगी और ऊपर का हिस्सा भी कट करके फेंक दूँगी और इसको छोटे छोटे पीसेस में यानी बारीक से कट कर लूँगी। देख सकते हैं, इस तरह से बारीक से कट करना है। माने फ्रेंड्स, ये अरवी की फूल की चटनी इतनी टेस्टी बन के तैयार हो जाता है कि आप लोग कोई भी चटनी खाने का मन नहीं होगा। एक बार बनाकर खाएंगे तो फिर से बनाने का मन होगा। ये हमारा गांव में ही मिलता है और ये हमारा बाड़ी का ही है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, आप लोग इसे राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी चटपटी बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको बारीक से कट कर लिया है। देख सकते हैं, सारे अरवी के पत्ते को और फूल को कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक प्याज को इस तरह से लंबे पीस में कट करके लिया है और लहसुन को भी दरदरा कूट के लिया है। हरा मिर्च, धनिया और टमाटर को बारीक से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर मैं ऑयल डालूँगी। और देखिए, ये ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी, इसको ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। देख सकते हैं, ये देखिए, इतना ही मैं इस प्याज को भून लूँगी और उसके बाद डालूँगी यहाँ पर मैं लहसुन। और देखिए, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन। लहसुन को भी मैं ज़्यादा नहीं भूनूँगी क्योंकि इस चटनी में थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ही भून लिया है। देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं डालूँगी अरवी की फूल। ये देखिए, आप लोग तो बहुत ही प्रकार के चटनी खाए होंगे लेकिन इस तरह से आपने कभी भी अरवी की फूल की चटनी बनाकर नहीं खाए होंगे। एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा और कैसा बनता है कमेंट करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर डालूँगी मैं हरा मिर्च और हल्दी पाउडर एक चौथाई, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और इसको चलाऊँगी थोड़ा सा, इस तरह से चलाऊँगी और इसको लो फ्लेम पर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च ज़्यादा चाहिए क्योंकि चटनी थोड़ा सा चटपटी होना चाहिए। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट ढककर छोड़ दूँगी और बीच में इसको चेक करते रहूँगी। और देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुका है, ये हमारा लगभग थोड़ा सा पक चुका है और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से दबाऊँगी। देख सकते हैं, इस तरह से दबाना है और फिर से इसको ढककर रख दूँगी। ये अच्छी तरह से नहीं पका है, ये देखिए, और फिर से मैं इसको चेक करूँगी ये हमारा अच्छी तरह से पक चुका है कि नहीं। ये देखिए, लगभग पक चुका है ये हमारा। और इसका डाल दूँगी मैं टमाटर और उसके बाद डालूँगी बैर धनिया। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं लेकिन हमारे भाषा में इसे बैर धनिया बोलते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से चलाऊंगी और इसको टमाटर गलने तक मैं इसको ढककर रख दूंगी ये, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और देखिए, ये हमारा टमाटर गला कि नहीं मैं इसे चेक करूंगी। ये देखिए, टमाटर भी लगभग गल चुका है। यहाँ पर मैं डालूंगी नींबू का रस। यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस लिया है क्योंकि इस चटनी में थोड़ा सा नींबू का रस डालना चाहिए और थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, तभी ये हमारा अरवी का फूल की चटनी इतनी चटपटी और टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हैं, ये हमारा अरवी की फूल की चटपटी और टेस्टी चटनी बन के तैयार हो चुका है। ये अरवी का फूल की चटनी की रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बनाकर खाइएगा और कैसा बनता है कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अरवी की चटनी बनके तैयार हो चुका है और इस रेसिपी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।